Pennywise pound foolish. Very nice line. मुझे समझ नहीं आई पर मेरे को पता कि मजेदार लाइन है. Respected Arbaaz ji. Respected Kapil साहब. आप भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं क्या? फिर तू क्या कर रहा है? नहीं मैं क्यों काट रख रहा हूँ इसी बहाने से. Very good evening. It's so cool, man. भाजी, भाजी, आप देख रहे हैं लंदन में स्नोफॉल हो रहा है, आग सेक रहा है, शादियों का सीजन भी चल रहा है. हाँ. लेकिन आप कभी भी सड़क पे कोई बारात जाती हुई नहीं देखेंगे. क्यों? यहाँ की शादियाँ थोड़ी डिसेंट होती है. यहाँ पे दूल्हे घोड़े पे बैठ के नहीं जाते. क्यों? उनको पता इतनी ठंड पड़ रही है, बैठे बैठे अकड़ जाएंगे, पूरी बारात में ऐसे घूमते रहेंगे. वो नहीं जाते ऐसे. यहाँ पे थोड़ी डिसेंट होती शादियाँ. सारे लोग काले कपड़े पहन के जाते हैं. बारात इकट्ठी होती, लगता नहीं शादी हो रही है, ऐसे डाउन के आदमी घूम रहे हैं. बड़ी डील होने वाली है. हमारे इंडिया की तरह थोड़ी ना यहाँ पे दूल्हा बारात लेके निकलता है घर से वेन्यू तक. इतने लोग भर के लेके निकलता, इतनी बड़ी बारात, लगता नहीं दूल्हा, ऐसे लगता कोई बाहुबली सांसद नामांकन पत्र भरने जा रहा है. इतनी बड़ी बारात और नाचते जाते, रुक रुक के जाते, पूरा ट्रैफिक जाम करके जाते, और जो ट्रैफिक में फंसे भी होते लोग ना, वो भी कुछ नहीं कहते. इसको क्या कहना है, तो सारी उम्र वैसे सुनने वाला है. दूल्हे को माफ कर देते. अच्छा, इन बारातियों के चक्कर में किसी की फ्लाइट छूट जाए, ट्रैफिक में फंसे लोगों कोई लेना देना नहीं. हाँ. ये अपना स्टेप नहीं छोड़ेंगे. हाँ. सांप बन बन के ना 10-10 रुपए लूटते हुए जाते हैं ये लोग. लंदन और इंडिया की शादी में क्या फर्क है? लंदन में पहले किस करते हैं फिर शादी करते हैं. हाँ. हमारे यहाँ किस करने के चक्कर में शादी कर लेते हैं. मतलब अच्छा, विदेशों में जब शादी होती है तो शैंपेन खुलती है, टपक ऐसे लाल रंग की बोतल होती है, झाग निकलती, सब चार चार. हमारे यहाँ पे शैंपेन नहीं खुलती, यहाँ पे दारू पीने के बाद लोग खुल के सामने आते हैं. मल्लिका शरावत की तरह. हाँ, और फिर दुल्हन के घर के जा आगे जाके ऐसे नाचेंगे, ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. अच्छा, उनके एक्सप्रेशन से ऐसे लगता है सबके सब मुस्टंडे जितने नाच रहे होते ना, इतना जोश के साथ नाचते हैं, ऐसे लगता है जैसे IAS के एग्जाम क्लियर करके आए अभी. और पूछ के देख लो आप, सबके सब बेरोजगार निकलेंगे. कई केसों में तो ऐसा भी हुआ है, जो घोड़ी में बैठा है वो भी बेरोजगार निकलता है. माँ बाप इसीलिए शादी कर देते हैं, चलो अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन जिम्मेदारी सर पे आएगी तो अपने आप काम करने लगेगा. और होता उल्टा है, वो किसी और काम में लग जाता है. जिम्मेदारी कम करना दूर और जिम्मेदारी बढ़ा देता है वो. लंदन में और हमारे यहाँ की शादी में सिर्फ इतना फर्क होता है, उनके जो बुके होते हैं ना फूलों के, उनसे पता चलता है, क्योंकि अलग अलग डिजाइन के होते हैं, उनके रंग को देख के पता चलता है कि ये अंतिम संस्कार में आया कि शादी की बधाई देने आया. बड़ा फर्क होता है. और उनकी शादी में देख लो आप, बधाई भी बड़े डिसेंट तरीके से देते हैं. मेहमान आते हैं, ऐसे लाइन लगी होती है, एक एक करके आते हैं, कंग्रेचुलेशंस, वही बोलते थैंक यू आंटी, पता नहीं चलता मासी गई कि भुआ गई. सबको आंटी बोलते हैं हमारे यहाँ. मासियाँ भुआ बोले की गाल पकड़ के ना, आधा अंगूठा उसकी गाल में, हंसी शादी हो गई तेरी नलायक, बैठ गया तू घोड़ी में. और समझ नहीं आता, भुआ मासी बेइज्जती कर जाती दूल्हे की ज्यादा. बहू ये बड़ा नलायक था बचपन में, हाँ पहले कभी नाक बैठती रहती थी, कभी चड्डी गिरती रहती थी. नाक ऊपर करता तो चड्डी नीचे, चड्डी ऊपर करता तो नाक नीचे. अब देखो कैसे दूल्हा बन के बैठे हैं, अभी तू ही संभालना इसको. हमारे यहाँ शादी जो होती है, दो परिवारों का मिलन होता है. विदेशों में दो परिवार टूटते हैं तो तीसरे की शादी होती है. और शादी टूटने के बाद भी वो रिलेशन खत्म नहीं करते हैं, वो रखते हैं, वी आर स्टिल फ्रेंड्स. मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब प्लॉट की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई, वहां पे पिकनिक मनाने जाते क्यों है ये लोग. इंडिया के हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन बड़ा इजीली करवा देते हैं. ये हमारा बड़ा बेटा है, ये हमारी छोटी बिटिया है. फॉरन में प्रोसेस थोड़ा लंबा है. ही इज माय सन पैट्रिक फ्रॉम माय फर्स्ट वाइफ, ही इज रॉड्रिक माय वाइफ सन फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड, एंड शी इज मलिसा, वी प्रोड्यूस टुगेदर. यहाँ पे ये लड़ते ना, सुनो जी बड़ा वाला छोटे वाले को मार रहा है, बात खत्म. वहां पर उल्ट होता है, देखो जी आपके और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चे को मार रहे हैं. लंदन में पति पत्नी में लड़ाई होती ना, पहली बात अगर खराब हो गई, दूसरी बात लॉयर करता है. हाँ. I'll see in court. हाँ. यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सारे मसले खुद ही हल हो जाते हैं. कैसे?
पति पत्नी लड़ते हैं, आदमी गिलास फेंक देता है, बीवी थाली फेंक देती है, आदमी ने रिमोट तोड़ा, बीवी ने टीवी तोड़ा, फिर रुक जाते हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं करना, फिर एक दिन बातचीत बंद रहती है, फिर थोपड़ा तोड़ा, अगले दिन बारिश होती है, फिर आपको पता सर्दियों की बारिश अच्छे अच्छों की दोस्ती करा देती है। विदेशों की शादियों में घराती और भराती वाला कोई सिस्टम नहीं होता, सब एक ही जगह पे मिलते हैं, वहां पे पार्टी होती है, शाम को दूल्हा दुल्हन ले जाता है, बस बात खत्म। हमारे यहाँ पे लड़की वालों को लड़के वालों को स्वागत करना पड़ता है, गेट पे खड़े रहते हैं, मिलनी, हाँ मिलनी होती है, तिलक लगाए जाते हैं, और तिलक बड़ा बड़ा पंगा होता है, तिलक भी अगर चाचू को लगा दिया पहले, ताऊ को भूल गए तो ताऊ अलग से मुंह फुला लेता, तो जैसे कैसे छोड़ने वाले को तिलक कैसे लगा दिया, बाल हमारे पहले सफेद हुए, तिलक हमें लगना चाहिए था, छोटा वाला चाचू बोले तो बाल सफेद हुए तो किसने कहा था डाई करके आने को, अगले ने हमारे सफेद देखे हमें ठोक दिया, तुम क्या कर बाल तुम भड़क रहे हो। जो इंडियन शादियां होती है उसमें रस्में कितनी प्यारी प्यारी होती हैं बाजी, वाह, जो सालियां रिबन कटाती हैं, जूता छुपाई की रस्म होती है, ऐसे यहाँ पे ना एक बगल वाले मोहल्ले में एक इंडियन लड़की की गोरे लड़के से शादी हो गई, पीटर नाम का लड़का, कमला नाम की लड़की, सालियों ने जूते चुरा लिए, उसने सू कर दिया, वो $5,000 मांगे, वो सालियां अंदर करवा दी उसने, इधर फेरे हो रहे थे उधर सालियों की बेल हो रही थी, उल्टा माहौल। यहाँ पे क्या होता है ना, जब कभी सालियां जलती है ना बारात को एंट्री करने के लिए, वो रिबन नहीं काटते आजकल कैंची से, अच्छा सालियां तो चलो आती आती शगुन लेने, कई मासी ताइयां झूठ में आ जाती, घुस जाती, जीजा जी हम भी लेंगे बधाई, मुंह उठा के देखो फूफा की बीवी होती वो। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी रस्में हैं, आप देखो लड़के को हल्दी बड़ी लगाते हैं, इतनी हल्दी लगा देते हैं दूल्हा दूल्हा रह नहीं जाता, एक बार तो ऐसी किसी शादी में दूल्हे को इतनी हल्दी लगाई, हलवाई को लगा मुर्गे को मसाला लगा के रखा, वो पकड़ के कढ़ाई में डालने लगा था, बरातियों ने बचाया भाई ये दूल्हा है, पीलिया हो गया, तेल बड़ा लगाते हैं दूल्हे को, इतना तेल लगाते हैं, 2-3 केस तो ऐसे सामने आए दूल्हा फिसल के हाईवे पे चला गया घर से। अच्छा अपनी बीवी जितना टाइम तैयार होने में लगाती है आदमी को उतना ही गुस्सा आता है, लेकिन दूसरी को बीवी को देख के बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप किसी भी शादी में जाते हो ना तो वहां पे औरतें तैयार शैर होके मिलती हैं। अच्छा औरतों का भी एक खास बहाना होता है, पूरी बारात में ना जाके पूछती हूँ किसी मॉन्टू को नहीं देखा, आदमी बोलते हैं भाभी साड़ी बड़ी पहनी, थैंक यू मैंने यहाँ से लॉरेंस रोड से ली है, मॉन्टू देखा नहीं, फिर पूरी शादी में घूमती फिरेंगी, जब सबने साड़ी देख ली ना फिर चुपचाप जाती हैं बाथरूम का दरवाजा खोल के मॉन्टू को ले आती हैं, खुद ही मॉन्टू को अंदर किया होता है उन्होंने साड़ी दिखाने के चक्कर में। ये बस लगी ना लाल रंग की, मुझे लगा उसी में से पुर्जा निकल के कोई आ गया। देखो अभी यहाँ सुंदर लड़कियों की बात हो रही है, तुम अंदर जाओ चलो। एक आप ही हो जिसको मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, और बाहर गोरों को देखो पागल हो रहे बाली, इतनी खूबसूरत परी आई कहाँ से? परी देख लो भिखारियों की दरी जैसा मुंह है, परी परी कहाँ से लगती तू? होली किसके साथ खेल गई तू? एक्सक्यूज मी, होली नहीं, ये लंदन का फैशन है। ओके लाल परी, तेरे खानदान में कभी किसी ने फैशन किया है? मेहंदी हाथों में लगाई जाती है, मैंने बताया इनको ये मुंह पे लगा के घूमते थे। हमें पता है फैशन के बारे में, ओके? पाजी मेरी बहन ने तो इंडिया में अपने बालों को पर्पल कलर किया था। तो शौक से नहीं किया था, 10 दिन पुरानी छाछ पी के नीली पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इसके बाल पर्पल करो तब जाके थोड़ा ठीक लगेगी। कई सालों तक इन्होंने बताया ही नहीं, लोग यही समझते रहे कि शायद उन्होंने घर में मोर रखा हुआ, पता नहीं नीली लड़की रखी हुई है। बातें सुनकर ना मैं फैशन छोड़ने वाली नहीं हूँ, और मैं तो पाजी अभी मार्केट में जाके ना लंबी लंबी बूट्स भी खरीदने वाली हूँ। गलती से भी मत पहन लेना, इतने लंबे लंबे बूट्स से मुंह बाहर रहेगा, लोगों को लगा पेंगुइन आ गए। आपको जो कहना है कहो, मैंने फैसला कर लिया कि मैं तो अब बस लंदन में रहने वाली हूँ। लंदन में रहेगी तू? जी हाँ। बताऊँ इंडिया में तेरी फैमिली कहाँ पे रहती है? क्या बताओगे? हाँ डुप्ले फ्लैट था हमारा, क्या बताऊँ? कौन सा डुप्ले फ्लैट इनका? एक ही कमरा बाजी, उसके बीच में छत डाली हुई है। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग ऐसे ऐसे करके चलते हैं या अपने घर में ऐसे ऐसे करके चलते हैं? लोग घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं या घर से बाहर कमर सीधी करने के लिए निकलते हैं? लेकिन इनकी माता जी बड़ी स्वाभिमानी है, उन्होंने कभी ऐसे करके नहीं चला, वो ऐसे करके चलती। यहाँ बैठे बैठे ना बातें बना लो, ये नहीं कि थोड़ा बाहर देखो। पाजी यहाँ लंदन के लोग कितने रोमांटिक है, यहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ से कितना प्यार करते, जरा बाहर जाके देखो। मैंने देखा तभी तो नहीं करता तुमसे।
उनकी बीवियां तो देख इतनी खूबसूरत है, आदमी हफ्ते में 10-10 दिन प्यार करते हैं उनको। एक सेकंड, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बीवी ढंग की हो तो आदमी ओवर टाइम भी कर लेता है, समझी? मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए भाजी? वो अपनी बीवियों से प्यार करते, सेब जैसी लाल उनकी बीवियां। हाँ। मेरी बीवी का मुंह चीकू जैसा हुआ बड़ा, मैं क्या करूं भाजी? कभी कभी प्यार से इसका मुंह हाथ में लेता ना तो चीकू के बीच जैसे दो दांत बाहर आ जाते। मैं चीकू जैसी लगती हूँ तो आपकी शक्ल भी कोई अंगूर जैसी नहीं है, पूरे के पूरे लंगूर लगते हो तुम। लंगूर लगता हूँ? लंगूर लगता ना, ऐसी सेक्सी सेक्सी लड़कियां सामने बैठने के देखनी ना मेरे को आती ना। How are you? How are you? Oh my God, she is giving me flying kiss. अभी ऐसा... मेरे को एक आध flying kiss आ जाए ना तब करना ऐसे। कहाँ से आएगी तुझे flying kiss? वो देखो, देख लो। उनकी उम्र भी तो देख। आज मुझे कैसा पति मिला है, बाहर बर्फ गिर रही है। हाँ। और ये अपनी बीवी से लड़ रहा है। शर्मा जी बाहर बर्फ गिर रही है, चलिए ना बाहर जाके कुछ रंगीन करते हैं। रंगीन करना है या एक काम कर, अंदर जा शरबत की बोतल लेके आ, बर्फ के गोले बना बना बेचते हैं। पर बड़े मुंह तेरे। किस्मत ही खराब है मेरी पाजी, मतलब रोमांस का कुछ समझ में नहीं आता मेरे पति को। तो मौसी को आने दो, वो तुम्हें समझाएंगी। कौन सी मौसी? तेरी मौसी और लंदन में? जी हाँ, क्यों, सिर्फ आपके नहीं मेरे रिश्तेदार भी लंदन में रह सकते हैं। ओके, क्यों झूठ बोलती है? इसके एक बार कानपुर वाले चाचा को मैंने कहा चाचा जी कभी मुंबई आइए, कहता बेटा आ जाए हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ये लोग हैं ये लंदन में रहेंगे। ये जितनी बातें करनी ना बनानी है सब बोल दो। और एक सेकंड, मैं ना जा रही हूँ मौसी के लिए कुछ जूस वूस लाने, तो अगर वो आ गई तो प्लीज उनका ख्याल रखना। जा माई बुढ़ी के बाल लगा गई, जूस लेने जा रही हूँ मैं। पचला पचला, मैं अब तक साइकिल पे बैठी नहीं थी। नानी आप टिफिन लेके बाहर कहाँ गई थी? अरे हमारे यहाँ पर डिब्बा नहीं होता ना, इसलिए नानी टिफिन लेकर इसमें पानी भर के बाहर गई। नानी आप पानी लेके बाहर गई थी? आपका जो पूरा का पूरा परिवार है या तो वो खाने की टेबल पे बैठा रहता है या फिर टॉयलेट में। अब टॉयलेट में जब जगह नहीं होती है और इमरजेंसी होती है तो इस डिब्बे में पानी भर के मैं अपने फास्ट फ्रेंड के यहाँ फास्ट फास्ट करने चली जाती हूँ। यस। और इस बार तो इमरजेंसी इतनी ज्यादा हो गई थी कि योर हाईनेस को रास्ते में लैंडिंग करनी पड़ी, बीच गार्डन में बैठ गई। व्हाट? यस नानी, मींस आप खुले में क्या कर सकते हैं, लेकिन गार्डन में बड़ा मजा आया। दिल गार्डन गार्डन हो गया भवरा बगिया में हो गया। तुम्हारा दिल तो गार्डन गार्डन हुआ, गार्डन का क्या हुआ? गार्डन का क्या होना था, कुछ नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गया कि परमाणु बम का निरीक्षण हमने कर रहा था, ये हमसे पहले गार्डन में कौन करके चला गया। Shut up, robots, your highness. पिता आप पहले हमें ये बताइए कि आप अपने परिवार को वापस कब भेज रहे हैं? नानी मेरे को नहीं पता कब जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मंजू की मौसी भी यहाँ पे आ रही है। वो किधर रहेगी? वो तो इधर रहेगी, आप सोचो आप किधर रहोगे। What? तुम्हारा ये योर हाइनेस का घर है, योर हाइनेस यहीं पे रहेंगी। योर हाइनेस, योर हाइनेस, तू रहने वाला कहाँ का बे? मैं बठिंडे था पाजी। बठिंडे का? हाँ वो बठिंडे के साथ गांव पड़ता ना समस्तीपुर, मैं वहीं से हूँ। समस्तीपुर से है तो तेरे को ये वर्ड किसने सिखाया है? तेरे मुंह से जाता ही नहीं है, इसे सूट नहीं करता तेरे को योर हाइनेस। अरे मेरे मुंह को छोड़ो, जिसके लिए बोल रहा हूँ पहले उसका मुंह देखो। You shut up, robot. पिता, आपके इस मच्छू की मौसी के लिए हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। नानी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपना साइकिल लेके कुछ दिनों तक लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं चली जाती? नो, योर हाइनेस साइकिल नहीं चलाएंगी। तो हमें पहले बता देते, हम बेच ही देते उसको। क्या पर आप क्या हमारे घर का सारा का सारा सामान बेचने के लिए आए हैं? हम तो अपने घर का सामान बेच के यहाँ पे आए ना नानी, अब तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें तो कुछ नहीं, हम तो यहीं पर रहेंगे। This is splendid. अब ये मंजू की मौसी यहाँ पे आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? आप एक काम कीजिए, 6 महीने के लिए एक डिब्बा और गार्डन लीज पे लीजिए, वहां जाके परमाणु बम के निरीक्षण किया कीजिए।
तो आप है मंजू की मौसी। कौन मंजू? नहीं, आप अपनी भतीजी को नहीं जानती? कछुओं की ब्यूटी क्वीन है जो। मेरी किसी भतीजी की ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। हाँ, पर मेरी भतीजियाँ इतनी है कि एक आध डिफेक्टिव पीस तो निकल ही जाता है। लेकिन मेरा होम प्रोडक्शन बहुत चंगा है जी। ए मेरा पुत्र मंजोत, मंजोत नमस्ते कर साहब को। नमस्ते भैया, नमस्ते। जल्दी कर, जा बैठ। मेरे इशारों पर चलता है मेरा पुत्र। अच्छा, आपका पुत्र आपके इशारों पर चलता, तो पति क्या करते हैं? और जी वो फोर व्हीलर में चलते हैं। अब हम गड्डी वाले हो गए। अच्छा? हमने सोचा कि हाँ, हमने सोचा कि अपने बेटे का ना विवाह किसी चंगे घर में करें, उसी का कार्ड देने आए जी। माँ, अच्छा अच्छा अच्छा। टेंशन, यानी कि आप हमें शादी के लिए यहाँ पे इनवाइट करने आए हैं? हाँ। और हम समझे आप भी इनकी तरह यहाँ पर टिकने आए हैं। तेरे झापड़ मारूंगा मुंह पे, इसीलिए साथ साथ नंबर लेता तो तू मुझसे। अरे वाह, आप इनको जानती हैं? और तू इतना मासूम ना बन, तुझे भी एक बार 8 नंबर दिए थे मैंने। आपने मुझे 8 नंबर दिए ना, इसलिए मैंने अपनी दुकान खोल ली यहाँ पे आज। अगर वही 8 नंबर आपने मुझे दिए होते तो मैं यहाँ बटलर ना बना होता। मम्मी क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा तू सीधा फिल्मों में आया है ना, तुझे पता नहीं इन सबको क्या क्या करना पड़ा तब यहाँ पर आकर पहुंचे। खैर, बताने वाली एक ही बात है जी, हमारे बेटे की ना शादी होने वाली है, हम उसकी डोली लेने जा रहे हैं, डोली की डोली लेने जा रहे हैं जी उसके लिए। डॉली की डॉली? हाँ। डॉली तो मेरी दादी का नाम है। आपको तो अपने बेटे के लिए कोई जवान लड़की की डॉली उठानी चाहिए थी ना। ओहो, जिस डॉली को हम लेने जा रहे हैं वो तेरी दादी नहीं है, वो बड़ी ब्यूटीफुल डॉली है। और उसी का इंटरव्यू देने आए हैं आज हम यहाँ पर। ओहो, अच्छा तो आप, ओहो नानी, ये मंजू की मौसी नहीं है, ये तो मेरी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आए हैं। मैं तो खाम-खाम घबरा रही थी। कोई बात नहीं, ये अच्छा हो गया। मुझे लगा कि अगर ऐसे एक्टर्स यहाँ पर आके टिक गए तो हमारा क्या होगा। अरे आप तो इंडिया में जाके फिर भी लच्छा या पलक बन जाओगे, सोचो मेरा क्या होगा। ये ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से। बेटा निकाल जो मैं सामान लाई थी। मैंने बोला था गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत ही चंगा गिफ्ट है, ये ले। वाह, 9 नंबर तरक्की हो गई, 9 नंबर। अबे छक्का है उल्टा ऐसे। भागो, भागो। 9 नंबर देखे भी आज तक तूने? और चल यहाँ से। एक मिनट, मेरे पेट से भी जरा सी गजीब और अजीब आवाजें आ रही है, मैं भी आती हूँ। आइए आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना पूरन सिंह और वरुण शर्मा के लिए। आइए मैम, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा भाई, इतने साल हमने साथ में काम किया, ये ड्रेस में हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल ड्रेस। वैसे मैं एक बात बता दूं अपने सारे दर्शकों को, जो सिद्धू पाजी का बेटा है वो पाजी को लाफिंग बुद्धा कह के बुलाता है। Am I right, पाजी? पाजी ने खुद ही बताया था। ऐसे नहीं है, वो गया मार्केट में लाफिंग बुद्धा लेने। अच्छा। तो उसने मेरी फोटो उसके हाथ में दे दी, कहना ये मार्केट में नया आया। अच्छा जी, आपके बच्चे ने भी आपका कोई ऐसा नाम रखा कि नहीं? आप लोगों ने मेरा इतना नाम रोशन किया है बोल बोल के, तो मेरे बेटे जो है वो मुझे पापा बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते। और वरुण के बारे में आपको बता दूं, आप सब लोगों ने फुकरे फिल्म देखी होगी, इनका किरदार चूचा इतना फेमस हुआ कि हाँ, लोग इनको वरुण के नाम से कम चूचे के नाम से ज्यादा जानते हैं। और जो इनकी फिल्म में इनका किरदार था उसमें इनको सपने आते हैं, और वो सब जब सुबह उठते हैं तो वो सपने सच भी होते हैं। पर खैर वो तो फिल्म थी, इनका असली सपना आज सच हुआ है। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू। कैसा लग रहा है वरुण आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? पाजी मेरे को अपने पैदा होने की इतनी खुशी नहीं होगी जितना मुझे कॉमेडी नाइट्स में आके मजा आने वाला है। वरुण एक और बहुत बड़े स्टार के साथ फिल्म कर रहे हैं, अब्बास मस्तान की, कपिल शर्मा के साथ। He's a very popular guy. अर्चना जी, आपके बारे में काफी अफवाहें हैं। मैं सोच रहा था कि जब अर्चना हमारे शो पे आएंगी तो मैं ये बात क्लियर करूंगा। एक अफवाह जो है वो मुझे क्लियर करनी है। लोग कहते हैं कि परमीत सर जो इनके हस्बैंड हैं, वो जब अर्चना जी से रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं तो इनकी हंसी निकल जाती है। तो ये बात सही है कि जब वो रोमांटिक होते तो आप हंसने लगती हैं?
नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हमारे दो बेटे ना होते। वरुण, फिल्म में तो अर्चना आपकी मम्मी बनी है, लेकिन जो आपकी असली माता जी हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने घर में फिल्म फुकरे के पोस्टर लगाए हुए हैं। वो टीचर हैं पेशे से, और उनको बड़ी चिंता रहती थी कि मेरा बेटा हीरो कैसे बनेगा, इसका बड़ा बेबी फेस है। तो ये बात सही है? हाँ जी सही है, लेकिन बेबी फेस के ना फायदे बड़े हैं भाई। मतलब लड़कियां आके सो क्यूट करते, पूरा दिन प्यार मिलता रहता है, बंदा बेबी फेस ही रखे पूरी जिंदगी। वरुण, जब मुंबई आए थे तो ये जब पोस्टर लगे होते तो वहां पे खड़े होकर सोचते थे काश मेरा भी कभी पोस्टर लगे, तो आज लगते हैं आपके, तो क्या सोचते हैं, कैसा लगता है आपको? कपिल शर्मा के साथ जब पोस्टर कब लगेगा ये सोचता हूँ जी। अरे हमारी डील है, हम पहले ही अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। हुआ तेरी अपनी डोली नहीं उठी, लोगों की उठा के ले आई तू? ओए बिट्टू, मैं ना डोली की डोली लेकर आई हूँ, और इस डोली में जो है ना उसका डील डॉल देखते आप लोग फ्लैट ना हो गए, तो मेरा नाम पिंकी नहीं, एक्सक्यूज मी। सुनिए, डोली से बाहर आइए ना, आए हाय आइए ना। डॉली की डॉली के प्रोड्यूसर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरबाज भाई, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आपका शो देखते हम बड़ा मजा लेते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन योर शो फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम मोस्ट वेलकम। और आर प्रोड्यूसर हो तो अरबाज भाई जैसे डॉली की डॉली को प्रमोट करने के लिए खुद डॉली में बैठ के आ गए। मैं बैठ के नहीं आया, मुझे तो घुसाया गया इसके अंदर। हाँ, अब सिद्धू जी कोई सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। अरे उंगली टेढ़ी करो ना, आपने मुझे टेढ़ा मेढ़ा करके अंदर घुसा दिया था। कोई बात नहीं भाई, ये बदतमीजी करती रहती बुआ। भाई साहब थैंक यू सो मच, आप डोली में लेके आए हमारे इतने खूबसूरत गेस्ट को। अरबाज भाई आप यहाँ पे आइए प्लीज, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बैठ जाऊं? जी जी प्लीज। अब बुआ तेरा दिमाग खराब है, अरबाज भाई शादीशुदा आदमी है। बिट्टू वो तो बैंड्रा में है ना, अंधेरी में तो कई बार मैंने इन्हें कुंवारे घूमते हुए देखा है। मैं ऑल ओवर शादीशुदा हूँ, ऑल ओवर बैंड्रा, अंधेरी, दिल्ली, सब जगह, लंदन तक, बट आई कैन नॉट एडजस्ट। नो हुआ, तू अरबाज भाई के पीछे की बड़ी, क्या बिगाड़ा उन्होंने तेरा? लो जी बिगाड़ा कैसे नहीं, यहाँ मैं एक शादी के लिए तरस गई हूँ, इन्होंने सोनम की तीन तीन शादियां करा दी फिल्म में। सुनिए, आप उस रोल के लिए मुझे साइन नहीं कर सकते थे? उन तीनों के साथ साथ मैंने आपके साथ भी शादी कर लेनी थी। सुनिए, पूरे मोहल्ले के लड़के ना मुझे पूनम ढिल्लन कहते फिरते हैं। कोई नहीं बोलते भाई, जो भी लड़के ऐसे ढिल्लो ढिल्लो बोलते ना, वो खुद 30 साल पहले ढीले हो चुके हैं। सही बात है, उनमें से कईयों के मुंह में तो दांत भी नहीं है, पता नहीं चलता ढिल्लो कह रहे हैं पिल्लो कह रहे हैं। और एक इतना बुजुर्ग, उसको मैंने कड़ी चावल खाने को दिए, कड़ी कड़ी पी गया, पकौड़ा चूस के बाहर फेंक दिया उसने। ये हालत है इसके। मेरी जो शादी नहीं हो रही उसकी असली वजह तू है, जब देखो बीच में अंट शंट बकता रहता है। और तू चुप कर, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे लिए फॉरेन कंट्री से भी लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया था, युगांडा में कबीले का सरदार था, उसकी बीवी मर गई। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो मेरे 19 बच्चों की माँ लगे। इसको देख के वो भी डर गया, कहता मैंने कहा था बच्चों की माँ लगे, ये तो मेरी माँ लग रही है, हर जगह से रिजेक्ट होती मेरी बुआ। कहीं का आज चाहे कुछ भी हो जाए सिद्धू जी, हाँ जी, मैं इनको लेकर डोली में बिठाकर इंडिया जाऊंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, एक सेकंड में इसको ठीक करना आता है बुआ को। कर कर। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द वेरी हॉट एंड वेरी स्टाइलिश मलाइका अरोड़ा खान। हेलो बुआ, देख जरा ये है इनकी वाइफ। हेलो दीदी जी, हेलो दीदी जी। मैं ना लोगों को यही समझा रही थी कि जीजा जी इतने नेक दिल हैं कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर ही नहीं देखते। हाँ तो उनकी अपनी वाली से नजर हट तो किसी और को देखे ना। पर मेरी बदकिस्मती देख लो, कोई लड़का आंख भर के मेरी तरफ देखता नहीं है। एक काम करते हैं, मैं लड़के की मम्मी बन जाती, लड़का तो है ही, और अरबाज लड़के के पापा बन जाते हैं।
रिश्ते की बात करते हैं। मलाइका आपकी मम्मी बन जाएंगी और हम लड़की देखने आते हैं। हाँ, अच्छा? हाँ, ठीक है। आइए फिर यहाँ से आते हैं। मैं लड़की का भाई। हाय, ओके ठीक है, ओके। मैं मम्मी। अरबाज भाई आप इस तरफ से आइए ना, इधर आ जाओ। आप लड़के वाले। हाय, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। रॉन्ग नंबर लगा दिया बिल्कुल ही। शर्म नहीं आ रही तेरे को? छींक आ रही होगी, जुकाम है तेरे को। ओके आ गए, टिंग टोंग आ गए लड़के वाले। मुझे लड़की पसंद है। थैंक यू। वो लड़की वो है, ये लड़की की मम्मी है। अरे ये मेरी बेटी है, देखो इतनी मतलब इतनी खूबसूरत है, बड़े प्यार से नाजुक से मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया मैंने इसे। माफ करना जरा, ज्यादा ही नाजों से नहीं पाला आपने, काफी ओवर पल गई है आपकी बेटी। अरे ऐसे मत बोलो। अच्छा बेटी, तू कितनी लिखी पढ़ी है? लो जी, मैं थोड़ा सा पढ़ी हूँ। 18 साल में स्कूल में पढ़ी हूँ और 22 साल में कॉलेज में पढ़ी हूँ। क्या मम्मी, इससे ज्यादा तो इसकी उम्र 40 से ऊपर की हुई। अरे नहीं नहीं, 40 की उम्र नहीं, बीच में 8 साल का गैप था, 52 होगी मेरे। ये मेरी बहू कैसे बन सकती है? ये तो मेरी दीदी के लायक है। शर्म नहीं आई? हाय जाने मन, डार्लिंग कोई इस तरह के वर्ड यूज नहीं कर सकते थे? कर सकता था, लेकिन सामने भी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना। बाहू, ये कैसे बातें कर रहे हो? ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ, इसीलिए तो इस चूजे से शादी करना मैंने मान लिया कि कार में ये देसी कुकड़ मिलेगा। और क्या करें? आप ही बताओ, बात बनने से पहले इन्होंने बिगाड़ दी। ओए सब लोग मुझे मिल के बताओ कि कौन है ये आदमी। I don't like this. I am going. मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, somewhere else. बाद में आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरबाज और मलाइका की जोड़ी जो है वो बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक है, और कहते हैं कि जब किसी को बहुत सुंदर बीवी मिलती है तो आदमी वैसे ही अपनी शादी में ना 2-4 स्नैक्स वैसे ही बढ़वा देता है। भाई एक बर्फ वाला गोला भी डाल दो, एक नॉन वेज में 2-3 स्नैक्स और डाल दो। पर अरबाज भाई, मैंने सुना है कि आपने अपनी शादी में पैसे बचाने के चक्कर में लेडी संगीत में गाना भी खुद गाया था। ये बिल्कुल सच है। इसमें सच्चाई है, और मैंने गाना गाया था, आज भी गा सकता हूँ। अच्छा, प्लीज हो जाए जरा। अच्छा, बट ये घर में रेडियो है, ये कभी भी ऑन कर दो ये स्टार्ट होता है। तो हमारी फिल्म का ही गाना है जी, एक रोमांटिक गाना है। न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से, तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। अरे क्या बात है। मेरे नैना काफिर हो गए, तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। क्या बात है। अरबाज भाई, ये टैलेंट तो आपका हमें आज पता चला। हमने ये भी सुना है कि अरबाज भाई शबीर कुमार साहब को बहुत अच्छी तरीके से कॉपी करते हैं। तो अरबाज भाई, अब अगर सिलसिला शुरू हुआ है तो 2 लाइनें उनकी भी हो जाएं। तो आपकी नूरे नजर है बड़े ही पार्श्व गायक अरबाज खान साहब। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे तुझे हम याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे, अरे कैसे हंसती थी वो, कैसे जलती थी। पर अरबाज भाई, ये आपका टैलेंट आज मजा आ गया। जोरदार तालियां हो जाए अरबाज भाई के लिए। लेकिन आपका फोकस जो था वो शब्बीर जी के ऊपर था, लेफ्ट साइड पे फोकस था ही नहीं आपका। अरे लेफ्ट साइड पे जिंदगी भर फोकस है यार। अच्छा मलाइका मैम, एक सवाल था आपसे। आप अरबाज सर की हर फिल्म में उनका आपका एक गाना होता है,
तो ये आपको पेमेंट करते हैं या फिर जो पहले डेट करते थे आपको जो आप पे खर्चा हुआ वो पूरा कर रहे हैं? सच सच बोलो, बोलो। सच सच बोलूं मैं? जी एक्चुअली ये मेरा जो जो भी गाने फिल्मों में खत्म होने से पहले ही वो चेक आ जाता है। क्या बात है। वो बोलता है कि डोंट वरी दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। आई सेड बट गिफ्ट, मैंने तो खुद मैंने ही वो चेक साइन किया, तो क्या गिफ्ट दे रहे हो? ये तो काम भी करवाया, खुद से चेक लिखवाकर खुद को दिलवाया। बिकॉज़ शी इज आल्सो द को-प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। अच्छा अरबाज भाई, ऐसा ऐसा तो नहीं है, मतलब ऑडियंस है उनके मन में कुछ भी आ जाता है दर्शकों के मन में कि घर पे आप शायद ये बात कहने से डरते हो कि मलाइका कैन यू प्लीज डांस फॉर मी, तो इस चक्कर में आप फिल्म में ले लेते हैं कि नहीं? चलो मैं तो ये मैं मतलब ऐसा कौन सा मुजरा घर में होता है कि जो आदमी अपने बीवी को बोलता है किस घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड बोलता है कैन यू प्लीज डांस फॉर मी? मैंने इसलिए पूछा अरबाज भाई, और अगर आप नहीं डांस कर सकते हो तो शायद मैं आपके लिए एक पिक्चर बनाऊंगा जहां आप मुझे डांस करते हुए देखो। ये क्या सवाल है भाई? नहीं, हम लोग घर में म्यूजिक ऑन करते हैं और खुद डांस करते हैं या कहीं पार्टी में जाके डांस करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कैन यू डांस फॉर मी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, अगर मुझे ही देखना है तो मैं ही देखूं ना, मैं पूरी दुनिया को क्यों देखूं? अच्छा अरबाज भाई, हमने एक और अफवाह सुनी है कि दबंग फिल्म का जब शूट चल रहा था तो वहां पे जो एम्बुलेंस होती थी उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप ही करते थे क्योंकि आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था। वो दबंग 2 के वक्त था, नॉट 1। तो दबंग के टाइम इतना प्रेशर था, डॉली की डॉली के टाइम? आई एंजॉयड दिस मूवी सीरियसली, मेरी ये 3rd फिल्म है और इतना मुझे मजा आया इस फिल्म को बनाने में, बिकॉज देयर आर सच टैलेंटेड पीपल ऑन दिस फिल्म एंड फ्रेश लोग, फ्रेश टैलेंट है। हमारे डायरेक्टर बैठे हैं इधर सामने, अभिषेक डोगरा के लिए एक बार तालियां हो जाए, फिल्म के डायरेक्टर। अभिषेक, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये आपकी डेब्यू फिल्म है जी, तो स्टोरी लेके आप अरबाज भाई के पास गए थे? जी हाँ। तो ये एक ही बार में मान गए थे? क्योंकि ये जल्दी सेटिस्फाई होते नहीं है जितना मुझे पता है। आई रिमेम्बर ही कॉल्ड मी एंड मैंने इनको 3 मैसेजेस भेजे थे, अच्छा कॉपी पेस्ट करके सेम मैसेजेस भेजे थे, और एक दिन इनका मुझे कॉल आया कि यार तुम ना कॉपी पेस्ट करके मुझे मैसेजेस भेजे जा रहे हो, कौन हो तुम, मुझे बता दो क्या सुनाना चाहते हो। अच्छा। देन ही सेड कि ठीक है, आप आके मुझे कहानी सुनाइए जो भी आपकी है, एंड एक हफ्ते बाद इन्होंने कॉल किया, आधे घंटे के लिए आप आइए और मुझे कहानी सुनाइए, और वो आधा घंटा आई थिंक 3-4 घंटे तक चला, और इन्होंने उसी वक्त मुझे बोल दिया कि यार अब ये फिल्म मैं कर रहा हूँ और आप ये बाहर मत सुनाइए किसी को। अरे वाह वाह, व्हाट अ वंडरफुल, थैंक यू अभिषेक, थैंक्स, शुक्रिया। मलाइका मैम, आपसे एक और सवाल था कि ये आज बड़े मैम 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 कर रहे हो, लास्ट टाइम जब मैं आई थी पिछले बार आप तो बड़े फ्लर्ट कर रहे थे। बिल नहीं नहीं भाई, मैं ऐसे कर सकता हूं? मैम कब से बोल रहा है ये? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था, वो सिद्धू जी थे। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा बेटा तू, आई डॉले देख के। मैं ऐसे कर सकता हूँ अरबाज भाई, ऐसे आप सोच सकते हैं ऐसा? नहीं, मैं तो सोच सकता हूँ, आप कैसे सोच सकते हैं? ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अब आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं, डर लगता है सर, आप फैमिली तो देखो, कौन सी फैमिली, खान फैमिली। अब वक्त है फिल्म डॉली की डॉली को बुलाने का, वो आ रही है अपने 3 में से 1 दूल्हे के साथ, सो जोरदार तालियां, स्वागत कीजिए द वेरी क्यूट एंड स्टाइलिश सोनम कपूर विद वेरी टैलेंटेड राजकुमार राव। सोनम, टेल मी वन थिंग, हाउ इज योर यंगर डैड मिस्टर अनिल कपूर? ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जब भी आपसे मिलते हैं घर पे आके बोलते हैं पता है उसने ये कहा, पता है उसने ये वो कहा, आई थिंक आपको देख के उनमें कुछ जाग जाता है। उल्टा मुझे उनको देख के एनर्जी आती है, पता है। और मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं कि उसने ये कहा। सोनम जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है वो बेचारे कहते हैं यार सोनम ने ये कह दिया। वो बड़ा डरते हैं। गुड वन, गुड वन। नहीं, वो आए थे तो उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, बोलते हैं कि मैं और मेरी वाइफ जो है जब सोनम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं तो हम लोग यूं टीवी लगा के देख रहे होते हैं क्या सोनम क्या बोल देगी, तो बहुत बार कहते ऐसा हो हम लोग कुर्सी से 3-3 फुट ऊपर उठे, सोनम ने ये क्या बोल दिया। पर जो भी है,
सोनम के बारे में सब जानते हैं कि सोनम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उनके दिल में है वो इनकी जुबान पे है, पर ये धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस फिल्म में जो इनका किरदार है वो एक धोखेबाज लड़की का है जो तीन तीन लड़कों को धोखा देकर चली जाती है। तीन बहुत कम नंबर है, हम तीन को फीचर कर रहे हैं। ओके, एंड दे आर द हीरोज ऑफ आवर फिल्म। पर बिसाइड्स दैट बहुत सारे ऐसे जो इस डॉली की हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे दूल्हों को वो कौन करती है। वो मैं बताता हूं। हां, बातों की नटखट, मन की चंचल, सूरत की बड़ी भोली, थोड़ा हंसकर मन में बसकर मारे प्यार की गोली, मिलकर सारे डालो भंगड़ा, गीत खुशी के गाओ, आज बाजे गाजे के साथ आई है अपने आंगन में डॉली की डोली। राजकुमार को आप जानते हैं क्वीन फिल्म में कंगना को छोड़ के चले जाते हैं, इस फिल्म में डॉली आपको छोड़ के चली जाती है। Oh, these girls तो आप क्या समझते हैं कि ये स्टोरी की डिमांड है कि कर्मों का फल है? मुझे लगता है नहीं, ये कर्मों का ही फल है। अगली फिल्म में आई थिंक मुझे मिल जाएगी फाइनली। आप कोई भी रिश्ता करने से पहले पत्री दिखाओ अपनी, यार कभी मैं छोड़ के भाग जाता हूँ, कभी वो छोड़ के भाग जाती है, कोई बीच का मसला निकाल लें, बीचला रास्ता। और आप एक बात बताइए राजकुमार, मैं हमेशा ये सवाल हमेशा लड़कियों से पूछता हूँ कि आप इतने जीरो साइज फिगर क्यों हैं और कैसे हैं राजकुमार? हाउ हल्के मैं जीरो साइज तो नहीं हूँ, आपको जो है आई थिंक मेरे माँ बाप से पूछना चाहिए क्यों, मतलब क्यों यार? क्या ऐसा क्या किया आप लोगों ने? उनसे पूछो कैसा ऐसा क्या खिलाया मुझे? वो कह रही उन्होंने कुछ खाया नहीं शायद। उनके इस जगह मैं उनको कहने का कोई हक नहीं। इस फिल्म में हमने सुना है कि सोनम ने कम से कम 60 कॉस्ट्यूम बदले हैं। 60 से ज्यादा आए थे। काफी खर्चा हुआ। बहुत नहीं खर्चा नहीं हुआ। क्यों खर्चा क्यों हुआ? घर से लेके आए कॉस्ट्यूम? नहीं, हमने मतलब वी वर क्वाइट गुड ना बजट। खर्चा नहीं हुआ। नहीं हुआ खर्चा नहीं हुआ। हेलो, मैंने बहुत बजट में कॉस्ट्यूम्स करवाए हैं। आई वांट यू टू नो बजट की क्या 250 रुपए की कॉस्ट्यूम बनवाई थी। स्टाइल की तो आपकी हमेशा चर्चा होती रही है, आप बहुत स्टाइलिश हैं, आपके जो सेंस है ये वो बड़ी अच्छी है, लोग हमेशा कहते हैं लुकिंग वेरी स्मार्ट यार। आप नहीं कहते? ओह यार, आपका क्या मानना है? लोग कहते हैं आपकी स्टाइल अच्छी है, सब कहते हैं आपकी स्टाइल अच्छी है। मुझे पता नहीं चलता, मैं तो जब अर्चना जी नहीं आई तो मुझे लगा सिलाई करना भूल गई है। नहीं, मुझे स्टाइल का इतना थोड़ा नहीं होता आइडिया। सिद्धू पाजी बड़े खुश है कि जिस तरह से सिलाई नहीं हुई वो साइड मेरी तरफ करके बैठी। नहीं, आज मैं तो हमेशा होता था, मैं काम में लगा रहता हूँ, आज मेरा भी भला किया है कुछ। तेरी कहाँ से आई आप वैसे? माय नेम इज जमीरा, आई एम फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। अरे बाप रे, यू अंडरस्टैंड हिंदी? या, व्हाट काइंड ऑफ हिंदी? मतलब इन मेजरमेंट कितनी? हाउ मच? अच्छे से जानती हूँ सारी। अच्छे से जानती हूँ तुर्कमेनिस्तान। यस, मैंने इधर इंडिया में सीखी है। आई लव तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ग्लोब पे? उसको खुद को नहीं मालूम तुर्कमेनिस्तान कहाँ है। तुर्कमेनिस्तान ना, अफगानिस्तान से थोड़ा आगे, उज़्बेकिस्तान से थोड़ा आगे, लेफ्ट लो और कब्रिस्तान के लेफ्ट में कहीं तो है। कहीं तो है। अच्छा लगा, तुर्कमेनिस्तान की लड़कियां भी काफी हैं, मतलब अच्छी हैं, गुड। पर मैंने देखा पाजी, अक्सर जब लड़कियां आईने के सामने होती हैं ना तो थोड़ी देर के लिए तो वो दुनिया से कट जाती हैं, और खास तौर पर जब सेल्फी लेती हैं लड़कियां, मुझे आज तक वो करना नहीं आया, यूं जरूर करती हैं, मतलब ऑलवेज टॉप एंगल एंड लुक डाउन एंड पाउट। हाँ, पाउट क्यों करती है? मलाइका मैम एक बात बताइए, मॉडल जैसे आप, आपका फेस इतना पतला है फिर भी लड़कियां पाउट क्यों करती हैं? वो पाउट नहीं होता, पाउट ऐसे तो है। पाउट ऐसे है, ये पाउट है। हाँ, पाउट पाउट थोड़ी है, परफेक्ट पाउट। हमें इतना करना पड़ता है ना, हमारा तब जाके इतना सा होता है। अब तो एक मछली की तरह लग रहा है। बासा की कौन सी बासा? अच्छा अर्चना मैम, आप जब पाउट करती हैं आपके गाल भी अंदर जाते हैं कि उतरे रहते हैं?
मेरे गाल अंदर जाए बाहर, तेरे गाल पे एक लगाऊं तो तेरे गाल बाहर ही आएंगे। मैंने एक सेल्फी ले ली है अचरा मैम के साथ, मैं बाद में चेक करूंगा। पाउट के साथ हा? मैं आपको एक राज की बात बता दूं, मेरे को सिद्धू भाई ने कहा था कि एक फोटो ले लेना, बाद में मेरे को दे देना। तू फोटो की बात कर रहा है, मैं नवजोत के साथ पूरी फीचर फिल्म चलने के लिए तैयार हूँ। जरा नवाजी है आपकी जी, जरा नवाजी है, है? तू ऐसा मुंह मत बनाया कर, ये पाउट शाउट तुझे नहीं आता, ऐसा लगता है टांगे वाले ने आम चूस के फेंका होता है। मत बनाया कर, जरा नवाजी। अच्छा, अरे उर्दू निकलती आपकी। राजकुमार, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिर्फ लीड रोल करना चाहता हूं या फिर मुझे कोई भिक्खू मात्रे जैसा करेक्टर मिले, जैसा मनोज वाजपेयी साहब ने सत्या फिल्म में किया था। तो हमारी दुआ है कि आपको जरूर मिले वैसा कोई करेक्टर आप, क्योंकि निभाना चाहते हैं। पर आज आपको मौका देते हैं कि आप भिक्खू मात्रे हैं, अपने स्टाइल से जो कहना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इस फिल्म में मैं एक हरियाणवी लड़का बनाऊं, तो मैं अगर डोली की डोली में अगर भिक्खू मात्रे जो है भिक्खू सरावत होता ओके तो वो कैसे होता? भिक्खू शरावत, भिक्खू मल्लिका शरावत का भाई, मल्लिका शरावत का भाई। ओके, तो भिक्खू खड़ा है ऐसे बस स्टैंड पे सोनीपत के और चिल्ला रहा है, रा सोनीपत का किंग कौन है? रा भिक्खू। हरियाणवी लैंग्वेज वैसे अपने आप में मजेदार लैंग्वेज है बाजी के। नहीं बहुत बढ़िया की भाई, आप तो जब पार्लियामेंट में बैठते हैं हरियाणा के बड़े सारे एमपी आते होंगे ना? बड़े सारे तो नहीं, एक दो ही है। तो वो ऐसे ऐसे भाषण भी ऐसे देते हैं? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है, ऐसे करते हैं। वरुण और राजकुमार की पर्सनैलिटी अलग अलग है सोनम जी। अगर रियल लाइफ में आपको सच में किसी के साथ डेट करना हो, दोनों में से किसको पसंद करेंगी आप? मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ ये क्वेश्चन। क्यों? बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि एक नाराज हो जाएगा। कौन? अरे जिसका नाम नहीं दूसरा नाराज हो जाएगा। आप वरुण को ले लो, मेरे पास मेरी डेट वाली है वरुण। राज सीरियसली डिड यू जस्ट रिजेक्ट मी? आई थिंक मेरा भाई है वो, मेरा 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 भाई है। पहली बार ये सास और चुप रहने में कितना फर्क होता है, पास ही हो गया। इसने हमें हमें फिल्म में धोखा दिया है, इसने फिल्म में हम तीनों को धोखा दिया है, अभी हमारी बारी है ऐसा करने की। ले जा, ले जा। वरुण सीरियस हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम, पिंकिटी पू मोत्रमा। आपका नाम? हेलो सिद्धू सर, हाय एवरीवन, माय नेम इज रेखा। रेखा, यस, माय क्वेश्चन इज फॉर सोनम मैम। सोनम मैम, आपने ये मूवी में तीन लड़कों को घुमाया है, अब तक आप जान चुकी होंगी कि लड़कों को कैसे रिझाया जाता है। मैं भी चाहती हूँ लड़के मेरे पीछे आए, स्पेशली कपिल। सो प्लीज मुझे कोई ऐसी सलाह दे कि कपिल मेरे पीछे आए। 10-15 मिनट रुक जाओ, आपको सलाह की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही आ जाना है। Honestly, सबको लगता है कि लड़कियां कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा बहुत ही खुश हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट, पर अगर आप किसी आदमी को कॉम्प्लीमेंट करें तो वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पीछे पागल है, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करते रहो, कॉम्प्लीमेंट करते रहो, ये तो बिल्कुल पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलने चाहिए इसको। हाँ हाँ, कपिल यार बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हेयर स्टाइल है कपिल? नई हेयर स्टाइल है, नया हेयरकट है? अच्छा बता, ये लेदर जैकेट कहाँ से लिया तूने? दुकान से। कौन सी दुकान? एक तो ना मैं आपको बताऊँ, सोनम को मैं चाक के भी ऐसे नहीं बोल पाता, पता क्यों? एक तो अनिल सर को हम शुरू से देखते रहे ना, तो हमें अपने बड़े भाई जैसे लगते हैं, मुझे ये भतीजी वाली फीलिंग आती है। सब लोग बोलते हैं मुझे लिंकअप सीन होते हैं, लिंकअप सीन होते हैं, क्योंकि मेरे डैड ने सबको डरा के रख दिया है। So you want to say something for me? Kapil, I love you. Please don't be able to say anything to
मेरी माँ मुझे कहती शादी कर ले अब मैं किससे करूँ माँ, तू खुद बता। शुक्रिया मैम आपके प्यार के लिए। और कोई हमारे दोस्त? माई नेम इज डेजी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा क्वेश्चन अरबाज जी से और वरुण से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप उनकी जो कपिल्स की जो न्यू फिल्म आ रही है, आप उनके को स्टार्स हैं उसमें, तो जैसे ही हमें इतना हंसाते हैं टीवी पे, लाइक ही इज अ सुपर स्टार ऑफ टीवी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वो सेट पे कैसे हैं, लाइक वो सबको वहाँ पे भी हंसाते हैं या वो सीरियस है, लाइक ही इज वो ही इज अ सुपर सुपर स्टार ऑफ टीवी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। बोलो यार, बंदा शर्मा जाता है। एक बात की मेरे को खुशी हुई कि चलो मेरी फिल्म की प्रमोशन भी शुरू हो गई। तो वो उनके सेट पे उनका नेचर कैसा है? Is मेरे से पूछ लेती और इज इट डिफरेंट? नो, ही इज जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही है। उनका जो किरदार है वो तो फनी है ही, और जब वो सीन कर रहे होते हैं और जब वो ब्रेक होता है तो एक्चुअली यू कांट टेल बिकॉज़ हिज ह्यूमर स्टिल कंटिन्यूज अदरवाइज आल्सो। तो ही इज अ ग्रेट गाय ऑन द सेट्स and he's always fun. ऐसा नहीं है कि वो serious है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है. Because we can never see him serious. No, he's even when he's not in the character, he's in his own character, which is a very humorous person. Love you, Arbaaz bhai. Thank you so much. जैसे वो TV screen में छा गए, हम चाहते हैं कि वो Bollywood में भी बिल्कुल छा जाए. बिल्कुल. Thank you so much आपके प्यार के लिए. मैंने अभी इनके साथ हाल ही में कुछ 2-3 दिन काम किया है, scenes किए हैं, and he is outstanding. People are just going to love him in this movie. And just look forward for this film. दर्शक ध्यान से सुने अरबाज भाई क्या कह रहे हैं। थैंक यू अरबाज भाई। अभी जैसे सीरियसनेस की बात हुई, अभी रिसेंटली हमने एक सीन शूट किया था जिसमें उस थोड़ा सीरियस जो सीन था, एंड इतने ब्यूटीफुली इन्होंने करा, आई थिंक वो जितने बेहतरीन जो होस्ट हैं, आई थिंक उससे भी ज़्यादा बेहतरीन एक्टर हैं, तो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। और जब भी हम शूट होते हैं, जब भी हमारा साथ में शूट होता है, मैं 4 दिन तक हंसता नहीं क्योंकि मुझे पता है वो 4 दिन की हंसी एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। थैंक यू चूजे, तेरे को तेरी पेमेंट मिल जाएगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू मैम।